नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिन तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन आता है मैनकाइंड कंपनी का और इसमें जो सॉल्ट है वो है मिकोबलामिन, पायरिडॉक्सिन एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन। जो ₹25 का आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, 2 ml का इंजेक्शन है और बहुत ही अच्छी कंपनी का है, डिस्कवरी मैनकाइंड कंपनी का। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग नसों में होने वाले दर्दों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि नसों की कमजोरी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाथ पैर का झुन पड़ना, सुन पड़ना, पैरालाइज की प्रॉब्लम, हवा लग जाना, लकवा लग जाना, मांसपेशियों में अकड़न होना, नसों में खिंचाव होना, तलवों में जलन होना या फिर चक्कर आना, कमजोरी, खून की कमी, थकावट महसूस रहना, काम में मन न लगना, खून की कमी, नसों का ब्लॉक होना और तलवों में जलन होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना तलवों में, इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसे रेगुलर यूज़ करने को भी बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इंजेक्शन है, 5 इंजेक्शन का कोर्स जो डॉक्टर बताते हैं सबसे पहले, तो 1 इंजेक्शन को लगाया जाता है 1 दिन छोड़कर। जैसे मान लीजिए मंडे को लगा तो फिर वेडनेसडे को लगेगा, बुधवार को लगेगा, ठीक है। तो 1 दिन छोड़कर इसको लगाया जाता है और 5 इंजेक्शन तो ये लगते ही लगते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी इंजेक्शन लगाने को बोल सकते हैं। तो जितने दिन आपके डॉक्टर बोलें चेक करके उतने दिन ही इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये ताकत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इंजेक्शन और डॉक्टर की सलाह के बिना इसे अपनी मर्जी से घर पर नहीं लगवाना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको लगवाने से अगर उल्टी, दस्त, खुजली होती है पूरे शरीर में या फिर किसी भी प्रकार की फिंसियाँ निकलती हैं पूरे शरीर में, भूख नहीं लगती है, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।